रियल एस्टेट से जुड़ी हेल्पफुल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मोरेश कोहिकर आप सभी का एक बार फिर आपके चहेते एसेट्स पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफर करने के 3 कानूनी तरीकों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति को ट्रांसफर करने के सही और कानूनी तरीके के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के साथ में हमेशा की तरह अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ 3 कानूनी तरीके नहीं बताऊंगा बल्कि किस तरीके का कब इस्तेमाल करना चाहिए और आपको किस तरीके से क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी रियल एस्टेट से जुड़ी हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वह कौन से 3 तरीके हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम से कानूनी रूप से ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों, वह 3 तरीके हैं सेल डीड, गिफ्ट डीड और त्यागनामा। ये 3 विकल्प प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफर करने के कानूनी तरीके हैं, मगर आप किसी भी विकल्प को यूं ही नहीं चुन सकते क्योंकि इनमें से हर एक का अपना अलग अलग रोल और महत्व होता है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं इन सभी के रोल और महत्व को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सेल डीड यानी बिक्री नामा के बारे में। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज्यादा सेल डीड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे अधिकतर लोग ट्रांसफर डीड या बिक्री नामा के नाम से भी जानते हैं। सेल डीड को सब रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर करना जरूरी होता है, इसके बाद ही कोई भी प्रॉपर्टी ऑनरशिप नए मालिक के नाम से ट्रांसफर होती है। लेकिन रजिस्टर्ड सेल डीड करवाते समय एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति के नाम से आपको संपत्ति ट्रांसफर करनी है उसका आपके साथ किसी भी तरह का कोई पारिवारिक संबंध यानी खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में। रजिस्टर्ड सेल डीड धोखाधड़ी से बचते हुए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक बेहद आसान तरीका है। एक रजिस्टर्ड बिक्री नामा इस बात का पुख्ता सबूत होता है कि संपत्ति मालिक ने अपनी संपत्ति बेच दी है। यह तरीका जालसाजी और धोखाधड़ी को रोकने में काफी मददगार साबित होता है क्योंकि लेन देन की पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में होती है। अब इसकी जो सीमा यानी लिमिटेशन की यदि बात करें तो प्रॉपर्टी बेचने से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं गिफ्ट डीड यानी उपहार नामा के बारे में। गिफ्ट डीड के तहत बिना पैसों के लेन देन के आप अपनी चल और अचल संपत्ति किसी को तोहफे में दे सकते हैं। लेकिन अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट देने के लिए आपको स्टैम्प पेपर पर एक डीड बनवानी पड़ती है, साथ ही 2 गवाहों से अटेस्टेशन कराने के बाद उसे रजिस्टर के ऑफिस में जमा कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 के मुताबिक अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर उसे अवैध माना जाता है। हालांकि कोई भी अचल संपत्ति जैसे ज्वेलरी, कार बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी गिफ्ट किया जा सकता है। गिफ्ट डीड एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसे एक बार रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि एक बार डीड ट्रांसफर होने के बाद जिसे आपने संपत्ति गिफ्ट में दी है वही उसका असली मालिक है। अब उस संपत्ति पर आपका कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं है। अब इससे होने वाले फायदों की यदि बात की जाए तो अगर आप अपने रिश्तेदार को कोई संपत्ति बतौर गिफ्ट देते तो इसमें टैक्स का कोई झंझट नहीं होता। यहाँ रिश्तेदारों से मेरा मतलब है पत्नी, भाई बहन, पत्नी या पति के भाई बहन या माता पिता के भाई बहनों से है। अगर किसी शख्स को कोई प्रॉपर्टी बतौर गिफ्ट मिली है तो उसे तब तक टैक्स नहीं लगाया जाता जब तक उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी 50,000 के पार नहीं हो जाती। अब इसकी लिमिटेशन यानी सीमाओं की यदि बात की जाए तो गिफ्ट डीड में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कोर्ट में जबरन या धोखाधड़ी के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं त्यागनामा के बारे में। अगर आप किसी संपत्ति में सह मालिक है और आप अपना अधिकार छोड़ना चाहते हैं तो त्यागनामा सबसे बेहतर विकल्प होता है। गिफ्ट डीड की तरह ही इसमें भी दोबारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, चाहे यह पैसे के लेन देन के बिना ही क्यों ना किया गया हो। त्यागनामा को भी गिफ्ट डीड की तरह ही 2 गवाहों से अटेस्टेशन कराने के बाद ही रजिस्टर्ड कराना होता है। जहां तक स्टैम्प ड्यूटी का संबंध है, रिश्तेदारों के लिए कोई छूट या टैक्स में रियायत नहीं दी जाती। अब इसके फायदे की यदि बात की जाए तो अगर
प्रॉपर्टी में दो लोगों का संयुक्त रूप से अधिकार है तो त्यागनामा बहुत आसानी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर का विकल्प देता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल उस वक्त होता है जब कोई बिना वसीयत छोड़े मर जाता है और कानूनी रूप से उत्तराधिकारियों को संपत्ति विरासत में मिल जाती है। अब इसके दायरे और लिमिटेशन की यदि बात की जाए तो टैक्स नियम के तहत त्यागनामा गिफ्ट के बजाय ट्रांसफर के तहत आता है, इसलिए इसमें टैक्स में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर रोकने से पहले मैं आपको एक जरूरी सुझाव देना चाहता हूँ कि चल और अचल संपत्ति संबंधित किसी भी तरह की डीड बनवाने या बनवा कर लेने से पहले कानून के जो जानकार हैं उनसे सलाह मशवरा जरूर कर लें और हो सके तो उनकी मदद लें और अपनी सूझबूझ के माध्यम से ही अपना अंतिम निर्णय लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प और यूजफुल जानकारी जरूर मिली होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।